कटे झारखंड की। रघुवर सरकार के फैसलों से आम जनता की जिंदगी में बदलाव आ रहा है। कई ऐसे नियम थे जिन्हें रघुवर सरकार ने सुगम और सरल बनाया है। आइए एक नजर डालते हैं रघुवर सरकार के अहम और बड़े फैसलों पर। रघुवर सरकार का तोहफा, जमीन लीज नवीनीकरण हुआ आसान, बाबा नगरी को सौगात, विश्व स्तरीय होगा बस स्टैंड, रांची के लिए अमृत योजना। मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में झारखंड में हर रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है। जनता से जुड़े मुद्दों को सरकार सुलझाने में जरा भी देर नहीं लगाती। राज्य में जमीन लीज प्रक्रिया को लेकर करीब 10,000 से ज्यादा लीज धारियों को परेशानी हो रही थी, जिसे सीएम रघुवर दास ने दूर कर दिया है। नए नियम के मुताबिक लीज नवीनीकरण की राशि में कमी की गई है। 30 साल में राशि का भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा देवघर में बस स्टैंड का निर्माण 40 करोड़ की लागत से होगा। रांची में पानी की समस्या को दूर करने के लिए अमृत योजना के तहत 148 करोड़ की राशि सरकार ने मंजूर की है। सरकार ने इसमें और सहूलियत की है कि आपको सलामी का पैसा रिन्यूअल के समय देना पड़ेगा, बाकी लगान आप 30 साल तक दे सकते हैं वार्षिक हिसाब से, उसमें कोई बंधन नहीं है। एक नई नियमावली जिसका नाम है झारखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जाति अल्पसंख्यक छात्रावास योजना नियमावली 2017, इसका अनुमोदन मंत्रिपरिषद के द्वारा दिया गया है। रघुवर सरकार ने आर के मिशन के तहत चलने वाली गाड़ियों को टैक्स फ्री करने का फैसला लिया है। छात्रावास निर्माण संचालन और प्रबंधन के लिए नई नियमावली बनाई गई है। सरकार की ओर से छात्रावास नियमावली 2017 के गठन को हरी झंडी मिल गई है। सरकार ने सत्र एवं व्यवहार न्यायालय के वर्ग 3 और 4 के कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने पर अपनी सहमति दे दी है। इसके अलावा झारखंड मिनरल नियम 2017 अधिसूचित करने की स्वीकृति भी मिल गई है। पीएम आवास योजना के तहत रघुवर सरकार 8,700 परिवारों को मकान बनाकर देगी। कई तरह की चीजें उठती है, लेकिन हमारा उद्देश्य साफ है, उद्देश्य है कि सबको आवास देना है। रघुवर सरकार अपने वादों के मुताबिक काम कर रही है। जनता से किए हर वायदों पर अमल हो रहा है। कई वादे तो पूरे भी हो चुके हैं। राज्य में विकास की यही रफ्तार रही तो वो दिन दूर नहीं जब झारखंड विकास के मामलों में सबको पीछे छोड़ देगा, और ये सब मुमकिन होगा सीएम रघुवर दास के दृढ़ संकल्प से। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।